नमस्कार, यूपीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूबीएन 08। मुंगावली से शंभू राठौर की रिपोर्ट। सिद्ध स्थान आमखो में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज भगवान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। बाल व्यास महाराज ने छठे दिवस की कथा में बतलाया कि कथा सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है। कथा में गुना शिवपुरी सांसद ने बाल व्यास महाराज का साल श्रीफल से सम्मान किया। इस मौके पर मंडी अध्यक्ष राव अजय प्रताप सिंह, साथ ही महेंद्र सिंह यादव एवं पूर्व विधायक कोलारस भी शामिल हुए। देखते रहिए UBN08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। और विशेष सूचना हमारे पूर्व विधायक के चिरंजीव श्री अजय यादव यहाँ पर पधारे हैं, वो भी महाशी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री अजय जी, अरे दूसरों को आनंद दे करके देखो तो तुमको भी आनंद मिलेगा। चौरासी गजन के लहंगा ने पहन करके आए और मैया से कहने लगे, मैया सारा संसार हमसे रूठ जाए लेकिन ये श्याम सुंदर हमसे कभी ना रूठे। और नाच बताया उसने क्या जवाब दिया, बोले मैं इसके फल पर नहीं जाता, मेरे पिताजी करते आए हैं और मैं करता रहूंगा जब तक मेरा जीवन नहीं बनता। हम लोग फल पर पहले जाते हैं, कथा से क्या फल मिलेगा, भजन से क्या फल मिलेगा, यज्ञ से क्या फल मिलेगा, संत सेवा से क्या फल मिलेगा, भंडारे से क्या फल मिलेगा, मैं पूछ रहा हूँ सिगरेट से क्या फल मिलता है, चिलम पीने से क्या फल मिलता है, शराब पीने से क्या फल मिलता है। अगर बगैर फल के चिलम पी सकते हैं, बगैर फल के शराब पी सकते हैं, बगैर फल के बीड़ी सिगरेट पी सकते हैं, बगैर फल के कथा नहीं सुन कर सकते, बगैर फल के मंदिर नहीं जा सकते। और मैं कहता हूँ सिगरेट तुमको नुकसान करेगी, पाउच तुमको नुकसान करेगी। कई लोगों को देखा हूँ इस यश में भी बेदी में बैठे हैं और पाउच नहीं छूच रहे। और भले आदमी पहले तो पाउच खाया मत करो, और खाते हो तो कम से कम डायरेक्ट मत खाया करो, गद्दी पर देख लिया करके किस नगर पालिका का कचरा खा रहा है देख लिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में देखा था, एक पाउच में छिछली की पूछ निकली थी और हम बड़े टेस्ट से खाते, मुझे समझ में ये नहीं आती। अच्छा, एक बीड़ी में कितना वजन होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 ग्राम। और हमारे अंदर कितना वजन है, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो। लेकिन 2 ग्राम की बीड़ी 70 किलो के व्यक्ति को कथा से उठा करके ले जाती है, वो भारी है कि हम भारी हैं। वो 2 ग्राम की पाउच, ये कथा किस लिए होती है। एक व्यक्ति को आज मैंने देखा, इतना खांसी चल रही लेकर बीड़ी के सुख से चल रही। अरे भले आया, जो वस्तु तुमको नुकसान देती है। और मैं कहता हूँ राम का नाम कभी नुकसान नहीं करेगा, कभी रिजेक्शन नहीं करेगा, वो फायदा ही फायदा का परमात्मा का नाम। तो जिस दिन हमारा जन्मोत्सव हो उस दिन भगवान के सामने बैठो, पश्चाताप करो, प्रभु निंद्रया ही अते नेतम व्यावायन चावया देवाचार्थे हया।